जिला पीलीभीत के तहसील अमरिया में सफाइयों ने उप जिला अधिकारी वंदना त्रिवेदी को सौंपा ज्ञापन। आलू एवं गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर आज तहसील अमरिया में पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद वसार, विधानसभा अध्यक्ष असलम जावेद और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर एक विस्तृत तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में प्रदेश का किसान बेहाल है। सरकार के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण अपने भाषणों में किसान के कल्याण की अनेक योजनाओं और कार्यक्रम की घोषणा दिन प्रतिदिन करते आ रहे हैं, परंतु वास्तव में धरातल पर किसानों के लिए कोई भी लाभकारी कार्य नहीं हुआ है। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में किसानों को मुफ्त सिंचाई, फसल बीमा, समय पर बिजली, उर्वरक, अब बीज की आपूर्ति की व्यवस्था भाजपा सरकार इनको बनाए रखने में भी असफल साबित हुई है। महा महिम राज्यपाल तक हमारा ज्ञापन ये पहुंचाने का कष्ट कीजिए, हम आपके द्वारा इस ज्ञापन को वहाँ पहुंचवाने के, आपको इस ज्ञापन को आप तक पहुंचाने का काम है कि जो किसानों के साथ बीजेपी ने जलसलाव करा कि हम तुम्हारे कर्जे माफ़ कर देंगे, लोन माफ़ कर देंगे, जो कि 15-15 लाख रुपये खाते में किसान गरीबों को दे देंगे, लोग धोखे में आकर के लोगों ने वोट दे दिया और उन लोगों का किसी का लोन, किसी का 54 माफ़ हुआ, किसी का 3 रुपये माफ़ हुआ, 10 रुपये माफ़ हुआ। इन्होंने सरकार ने धोखा किया किसान के साथ में, और जो कि किसान इतनी बुरी तरह से परेशान है, खाद उसको नहीं मिल रही है, और जो गैस थी जो मिल रही थी वो जो 400 रुपये का था जो पिछली सरकार में, आज 800 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। बहुत तरह तरह से किसान परेशान है, किसान मरने को तैयार है। किसान का जो कर्जा है वो बैंक में जमा नहीं कर पाया, अब उसकी आर्थिकें कट रही हैं, इसी चक्कर में धोखे में लोग रह गए कि हम लोन माफ़ हो जाएगा, और बैंक वाले भी परेशान हैं और किसान भी परेशान हैं। आगे कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं है किसान के लिए, क्योंकि किसानों ने पिछले कर्जे लेके अभी दिए नहीं हैं। कि मौजूदा योगी सरकार को लगभग 1 साल पूरा हो गया होने जा रहा है, और इसी तरीके से लगभग 4 साल पूरे होने जा रहे हैं मोदी जी की सरकार को। तो योगी जी और मोदी जी ने किसानों से बहुत बहुत बड़े वादे किए थे। हमारे योगी जी ने जो है किसानों से कहा था कि मैं जैसे ही सरकार में शपथ लेने के बाद आलू की खरीद शुरू कर दूंगा। आज स्थिति यह है कि आलू जो है गोदामों में शीतगृह में सड़ गया, निकालने के लिए इसलिए किसान के पास पैसे नहीं, बाजार में उससे कम है जितना उसे गोदाम को किराया देना है। इसी तरीके से समाजवादी हमारी हुकूमत थी, अखिलेश जी ने खाद से लेके, बीज से लेके, खुरपी से लेके और ट्रैक्टर तक किसानों से संबंधित कोई ऐसा यंत्र नहीं था जिस पर सब्सिडी ना दी हो। आज सारी सब्सिडी तुमने बंद कर दी, किसानों को जो है उर्वरक उपलब्ध नहीं कराए, मौके पर जब चाहिए था तो बीज उपलब्ध नहीं कराया। आज वायदा किया था संकल्प पत्र में इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम 15 दिन में गन्ने के किसानों का भी भुगतान करेंगे। आज 1500 करोड़ रुपया तो पिछली साल का बकाया है और इस साल का तो ईश्वर मालिक है, खुदा हाफिज है। तो कुल मिलाकर के इनकी कथनी और करनी खास तौर से किसानों के हक में, जब किसानों को अपनी खेती बोना थी तो आपने नहरों में पानी नहीं दिया, नहरों का पानी जब आया, जब किसान जो है आंदोलन पर उतरा और वो भी सही समय पर, जो किसान को ज़रूरत थी गेहूं में पानी लगाने की, आपने नहरों में पानी नहीं छोड़ा और वायदा किया था कि टहल तक हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे। छोटी नहरें जो हैं वो सब सूखी पड़ी हुई हैं। तो और सफाई व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो सफाई व्यवस्था आप करा नहीं सके। तो कुल मिलाकर के गाँव का और किसान का अपेक्षापूर्ण रवैये के खिलाफ उत्तर प्रदेश ही नहीं, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर आज एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं ताकि इस सोई हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया जा सके। कि मौजूदा योगी सरकार को लगभग 1 साल पूरा हो गया होने जा रहा है, और इसी तरीके से लगभग 4 साल पूरे होने जा रहे हैं मोदी जी की सरकार को। तो योगी जी और मोदी जी ने किसानों से बहुत बहुत बड़े वादे किए थे। हमारे योगी जी ने जो है किसानों से कहा था कि मैं जैसे ही सरकार में शपथ लेने के बाद आलू की खरीद शुरू कर दूंगा।
आज स्थिति यह है कि आलू जो है गोदामों में शीतगृह में सड़ गया निकालने के लिए, इसलिए किसान के पास पैसे नहीं, बाजार में उससे कम है जितना उसे गोदाम को किराया देना है। इसी तरीके से समाजवादी हमारी हुकूमत थी, अखिलेश जी ने खाद से लेके बीज से लेके खुरपी से लेके और ट्रैक्टर तक किसानों से संबंधित कोई ऐसा यंत्र नहीं था जिस पर सब्सिडी ना दी हो। आज सारी सब्सिडी तुमने बंद कर दी, किसानों को जो है उर्वरक उपलब्ध नहीं कराए, मौके पर जब चाहिए था तो बीज उपलब्ध नहीं कराया। आज वायदा किया था संकल्प पत्र में इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम 15 दिन में गन्ने के किसानों का भी भुगतान करेंगे। आज 1500 करोड़ रुपया तो पिछली साल का बकाया है और इस साल का तो ईश्वर मालिक है, खुदा हाफिज है। तो कुल मिलाकर के इनकी कथनी और करनी खास तौर से किसानों के हक में, जब किसानों को अपनी खेती बोना थी तो आपने नहरों में पानी नहीं दिया। नहरों का पानी जब आया, जब किसान जो है आंदोलन पर उतरा, और वो भी सही समय पर, जो किसान को ज़रूरत थी गेहूं में पानी लगाने की, आपने नहरों में पानी नहीं छोड़ा। और वायदा किया था कि टैल तक हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे, छोटी नहरें जो हैं वो सब सूखी पड़ी हुई हैं। तो और सफाई व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो सफाई व्यवस्था आप करा नहीं सके। तो कुल मिलाकर के गाँव का और किसान का अपेक्षापूर्ण रवैये के खिलाफ उत्तर प्रदेश ही नहीं, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर आज एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं ताकि इस सोई हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया जाए।